हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगने से एक बार फिर होटल व्यवसाय पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले ही अनलॉक होने के वजह से होटल व्यवसायियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब दोबारा नाइट कर्फ्यू लगने से पर्यटकों ने भी हिमाचल की ओर अपना रुख करना बंद कर दिया है। वहीं धर्मशाला में फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बांवा व एसोसिएशन के सदस्यों ने नाइट कर्फ्यू का विरोध करते हुए कहा कि कर्फ्यू कोरोना का हल नहीं है और न ही कर्फ्यू लगाने से इस संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता व गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। अश्विनी बांबा ने कहा कि कर्फ्यू लगने के कारण अब पर्यटकों ने हिमाचल न आने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर होटल व्यवसाय पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था। अनलॉक के बाद कुछ पर्यटकों ने हिमाचल की ओर रुख किया था, लेकिन प्रदेश सरकार के इस नाइट कर्फ्यू के फैसले से होटल व्यवसाय फिर से खतरे की जद में आ गया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने लिखित में भी एक शिकायत पत्र सरकार को भेजा है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि पर्यटकों को नाइट कर्फ्यू के दौरान बॉर्डर पर परेशान न किया जाए, ताकि वे आराम से हिमाचल में प्रवेश कर सकें व व्यवसाय पूर्ण तरह से चलता रहे। सर, जो हिमाचल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है नाइट कर्फ्यू का, इसके विरोध के अंदर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारा मानना है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो कोरोना से लड़ने का सोल्यूशन नहीं है। पूरे वर्ल्ड ने पिछले 6-7 महीने से लॉकडाउन कर्फ्यू सब कुछ करके देख लिया है, उससे सिर्फ हम कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, वेयरिंग ऑफ मास्क। इस कारण से आज हमने की है, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन की है कि नो मूवमेंट ऑफ एनी गुड्स एंड इंडिविजुअल ऑन द रोड आफ्टर 8, वो गलत है। आप उसके अमेंडमेंट कीजिए और जो टूरिस्ट जो व्हीकल है, चाहे वो उसकी पर्सनल व्हीकल है, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड उसके डेस्टिनेशन पर जाने की अनुमति दी जाए। नहीं, हमने कल लिखित में पहुंचा दिया है, लिखित में पहुंचा दिया है। उसके बाद हमारे फेडरेशन के जो नॉमिनी शिमला के अंदर हैं, हमारे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संजय फूत, वो सीएम साहब से डेलीगेशन लेके भी गए हैं। उन्होंने ये बोला कि हम कोशिश करेंगे कि आपके किसी भी टूरिस्ट को कोई भी वो ना हो, मुश्किल ना आए और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद मैं ये तब बोला है, शासन दिया है, जब ये नोटिफिकेशन नहीं आई थी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन यही आई और जिसमें कहीं भी एक्सेप्शन नहीं थी टूरिस्ट के लिए। सर देखिए, दो चीजें हैं। अगर ये ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तो हमारा जो कोई भी टूरिस्ट है वो अपनी डेस्टिनेशन से चलेगा ही नहीं, चाहे वो कलकत्ता से आ रहा था, चाहे दिल्ली से आ रहा था और चाहे वो पंजाब से आ रहा था, कोई चलेगा नहीं अपनी डेस्टिनेशन से। तो उसका नतीजा यही होगा, जो ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी 10-15% जा रही थी वो 0 पे आ जाएगी। वो 0 पे आने का मतलब ये है कि होटल वाला भी कब तक अपने स्टाफ को अपने खर्चे से उसको अप्लाई कर पाएगा। अल्टीमेटली फॉर रिटेंशमेंट ऑन लेफ्यू। तो सेकेंडली, अगर ये ऐसा नहीं हो पाता और ये ऑक्यूपेंसी 0 आती है तो हमारे लिए तरीका नहीं बचेगा, मे बी बाय द नेक्स्ट ईयर, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, हमें अपने होटल को बंद करना।